अब मनरेगा में मजदूरों को काम मिलेगा, कहाँ काम मिल रहा है, 100 दिन में काम की जगह पर 5 दिन 4 दिन मिला, बात खत्म। इसलिए रोजगार की गारंटी हो, मजदूरों को सम्मान मिले, अधिकार मिले, रोजगार मिले। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर वैशाली जिले के भगवानपुर में मजदूर नेताओं ने प्रदर्शन किया। वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिषद के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजदूरों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों ने इस दौरान माथे पर टोकरी ले रखा था, साथ ही उनके हाथों में कुदाल दिखा। मजदूर दिवस है, इस अवसर पर हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से और बिहार सरकार से, कि जो मजदूरों को रोजगार से छटनी हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब लाचार हो गए, मजदूर बेबस हो गए, सब मजदूर भाग गए, प्लान करके फिर जहाँ गए थे फिर लौट गए अपने अपने। जो बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे बिहार राज्य के हैं, वो भी गए थे काम करने पंजाब और हरियाणा से लेकर गुजरात और उड़ीसा और दिल्ली, सब भाग आया, चूँकि रोजगार नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गया। समाज सेवी केदार यादव ने इस दौरान मजदूरों को छटनी का विरोध किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मजदूरों की छटनी तत्काल बंद होनी चाहिए, साथ ही जितने भी बंद पड़े कल कारखाने हैं उन्हें जल्द ही चालू किया जाए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिए विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि रोजगार की व्यवस्था किया जाए, सभी मजदूरों को बीमा कराया जाए और प्रत्येक जिला में मजदूरों को रहने की व्यवस्था किया जाए, एक आश्रय स्थल बने जो मजदूर वहाँ के रुक सके। या मजदूरी के क्या हो रहा है, कोई मजदूरी का कोई गारंटी नहीं है, 100 दिन में 2 दिन काम मिल रहा है, अब मनरेगा में मजदूरों को काम मिलेगा, कहाँ काम मिल रहा है, 100 दिन में काम की जगह पर 5 दिन 4 दिन मिला, बात खत्म, काम नहीं है, मजदूर बेचारा बेरोजगार हो गए, मजदूर बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए रोजगार की गारंटी हो, मजदूरों को सम्मान मिले, अधिकार मिले, रोजगार मिले, इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। केदार यादव ने कहा कि मजदूरों के बिना कोई भी कार्य अधूरा है, बगैर मजदूर फैक्ट्री नहीं चल सकती, खेती नहीं हो सकती, यहाँ तक कि घर नहीं बन सकता, तो फिर उन्हें भी बेहतर मौका मिलना चाहिए। वैशाली से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।